नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज जिस साधना को हम करने जा रहे हैं वो आपके शक्ति को जगाएगा जब आप साधना करते हैं और आपकी शक्तियां नहीं जागती हैं आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कुछ लोग कहते हैं कि जब वो साधना करते हैं तो वो हिलने लगते हैं कुछ लोगों के आँखों से आँसू बहता है वो क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों के अंदर की जो शक्ति है वो जागृत नहीं हुई है और आप जो भी साधना कर रहे हैं जो भी जाप कर रहे हैं वो बिल्कुल रोबोट की तरह कर रहे हैं तो शक्ति यानी कि आपको कुंडलिनी को जगाना होगा जब कुलगुरु श्री कानिफनाथ जी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि श्री गुरुवर ने वज्रविरचन्य साधना दी थी जो कि छिन्मस्तिका के रूप में जिनको हम पूजते हैं जिनको दश महाविद्या में भी पूजा जाता है जिनको कुंडलिनी शक्ति की देवी भी माना जाता है जिनको डाकनी भी माना माना जाता है जिनको महा भी माना जाता है आज शक्ति जागरण के लिए मैं आपको प्रचंड चंडी का साधना बताऊंगा इस साधना में ना कोई यंत्र लगेगा और ना कोई सामग्री लगेगी लगेगा सिर्फ दो चीज ध्यान और जाप प्रचंड चंडी का साधना का मुख्य प्रयोजन होता है आपके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जग गई तो हर तरह का पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके अंदर आ जाता है इसको सात चरणों में हम करेंगे ठीक है हर चरण के बाद जो मुख्य मंत्र है प्रचंड चंडिका साधना का उसका माला जाप करेंगे करना कैसे है किसी भी शनिवार से शुरू करना है ठीक है और एक एक करके सारे चक्रों को जागृत करना है जैसे पहले शनिवार को हम सबसे नीचे वाले चक्र से शुरू करेंगे जो कि मूलाधार चक्र है ठीक है उसका मंत्र होता है लाम लाम का हम मूलाधार पर ध्यान करके एक हजार जाप करेंगे एक सप्ताह सिर्फ मूलाधार पर ध्यान होगा उसके अगले सप्ताह फिर स्वादिष्ठान पर ध्यान होगा मंत्र होगा वाम उसके बाद मणिपुर चक्र जो हमको खुद से जोड़ती है उसका जाप होगा और मंत्र होगा राम ठीक है फिर अनाहत हृदय के पास आ जाएंगे और मंत्र होगा याम ये सारे जाप हम एक एक सप्ताह तक करते रहेंगे गले में आएंगे और जो हम दुनिया से बातचीत करते हैं बहुत सारे विषयों को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं जो कम्युनिकेशन का चक्र है विशुद्ध उसका जाप करेंगे हाम फिर आज्ञा चक्र पर आ जाएंगे जिसको अजना चक्र भी बोलते हैं जिसको थर्ड आई बोलते हैं जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं इसका जाप जो होता है ओ होता है आओ जो ओम का शुरुआत है वो आओ होता है अजिना चक्र का बीज और अंतिम जो सात दिन होगा उसमें हम जाप करेंगे शास्त्र का जिसका मंत्र होगा म सिर्फ हम ऐसे सिर्फ कुंडलिनी जाप और जो बीज जाप है उसके बाद प्रचंड चंडिका मंत्र का हम लोग जाप करेंगे प्रचंड चंडिका मंत्र मैं आप लोगों को तीन बार बताऊंगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिए मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम आईम वज्र विरोचन्य ह्रीम होम फट स्वाहा फिर से मंत्र सुनिए क्लीं ह्रीम ऐम वज्र विरोचन्य ह्रीम हुम फट स्वाहा यह बहुत ताकतवर मंत्र है जब सात दिन में सात चक्र को जागृत करके सिर्फ इसका एक माला करिएगा तो कोई भी सटकर्म हो मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण या फिर किसी भी देवता का जब आप साधना करेंगे ना तो जिस साधना में सफलता के लिए अभी आपको तीन साल लगते हैं वो कई आप तीन महीने में उसको साध पाओगे क्योंकि शक्ति आपके अंदर की जग जाएगी एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जैसे सात दिन इस शनिवार से अगले शुक्रवार तक मूलाधार का जाप किया तो मूलाधार का जाप में लाम आपने कर लिया जाप लाम करने के बाद जब आप प्रचंड चंडिका साधना का जाप करोगे उससे पहले एक माला आपको कुंडलिनी आरोहनम ऐसा जाप करना है और ऐसा सोचना है कि अब मैं अपने मूलाधार शक्ति को उठा के स्वादिष्ठान में ले जा रहा हूं और फिर रविवार से स्वादिष्ठान का जाप करेंगे सात बार जब आप सात सप्ताह में जब सातों चक्र का को जागृत कर लेंगे आठवें सप्ताह से सिर्फ एक माला आप जो मूल प्रचंड चंडिका साधना का मंत्र है उसको आप करेंगे फिर कभी आपको लगने लगे कि कुंडली देखो जब कुंडली शक्ति जागृत होगी ना जब उठेगी या हरकत में आएगी तो शरीर में एक बल आता है जो इंट्यूशन पावर है जो सिक्स सेंस है वो आपका बढ़ जाता है तो वो आपको समझ में आने लगे जब लगे कि कम हो रहा है तो फिर से सात सप्ताह जो है सात सात दिन का ये चक्र साधना आप लोग करना अंतिम बार ये मंत्र फिर सुना रहा हूं ध्यान से सुनिए श्रिम क्लीम ह्रीम एम वज्र विरोचन्य ह्रीम हुम फट स्वाहा इस मंत्र विधान में कोई भी यंत्र का वर्णन नहीं है इसलिए यंत्र नहीं करेंगे लेकिन एक दीपक जला के उसको भगवती मानते हुए उसको पुष्प नवेद गंध इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं और उसी पर अगर ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसा माने कि वो ज्योति ही आपके कुंडलिनी शक्ति में प्रवेश करके ऊपर उठ रही है तो ये सर्वोत्तम हो जाता है लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है कोशिश करिएगा ऐसा करने का प्रचंड चंडिका साधना वज्र विरोचनीय साधना का एक भाग है जो मैंने आपको बताया था कि कानिफनाथ जी के तंत्र से मैं आप लोगों को दूंगा आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें व्हाट्सएप पेड ग्रुप चलता है जिनको डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र डॉट या अघोर तंत्र डॉट कॉम आज के लिए इतना ही माँ भगवती आप लोगों पे कृपा बरसाती रहे ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश